कहानी की शुरुआत में हमें 8000वीं सदी का समय दिखाया जाता है, जब इंसान आदिवासियों की तरह रहते थे। फिर उन आदिवासियों को एक दिन आसमान में यूएफओ नजर आता है। उसे देखकर सभी भागने लगते हैं, लेकिन एक लड़का उस स्पेसशिप के पास चला जाता है। तभी उस स्पेसशिप से रोशनी निकलती है, जिससे वो लड़का अचानक से कहीं गायब हो जाता है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि उस तेज रोशनी ने उस लड़के को टेलीपोर्ट कर दिया है, और ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। और हमें 1928 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम इजिप्ट में बहुत सारे पिरामिड्स को देखते हैं, और उन्हीं पिरामिड्स के पास खुदाई का काम चल रहा था, जिसमें कुछ मजदूरों को रहस्यमय सर्कल मिलता है, जिसे अलग अलग धातुओं से मिलकर बनाया गया था। और अब अगले दिन हम इस प्रोजेक्ट के हेड की बेटी कैथरीन को देखते हैं, जो खुदाई के दरमियान उन चीजों को देख रही थी। तभी उसकी नजर सोने के लॉकेट पर पड़ती है, जो उसे काफी पसंद आता है, इसलिए वो उस लॉकेट को अपने पास रख लेती है। अब हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक्सन नाम के एक आदमी को बौद्ध भाषाओं का ज्ञान था। वो लेक्चर देते हुए लोगों को बताता है कि पिरामिड्स लोगों ने नहीं बल्कि किसी और ने बनाया है, क्योंकि ये पिरामिड्स जिस समय बनाए गए थे तब उस समय इंसानों की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी कि वो इतनी विशाल पिरामिड का निर्माण कर सके। लेकिन जैक्सन की बातों पर किसी को भरोसा नहीं होता, इसलिए वो अपनी अपनी सीट से उठकर बाहर जाने लगते हैं। फिर एक बुजुर्ग महिला जैक्सन के लिए लेक्चर को सुन रही थी, वो अपने साथ काम करने का प्रस्ताव देती है। दरअसल ये बुजुर्ग महिला कोई और नहीं बल्कि कैथरीन ही होती है, यानी कि वही लड़की जिसने अपने पास सोने का लॉकेट रख लिया था। कैथरीन उसी प्रोजेक्ट के बारे में बताती है जिस पर उसके पिता काम कर रहे थे, और इस प्रोजेक्ट का नाम स्टारगेट होता है। कैथरीन जैक्सन से कहती है कि उसे एक ऐसी व्यक्ति की तलाश है जो बौद्ध भाषाओं को समझ सके, इसलिए वो उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जैक्सन को प्रस्ताव देती है। जैक्सन उसे स्वीकार कर लेता है। तब जैक्सन को एक सीक्रेट लोकेशन पर लेकर आते हैं। उसे वहाँ पर एक पत्थर को दिखाया जाता है, जिसमें एक प्राचीन भाषाओं में कुछ लिखा हुआ था। दरअसल ये पत्थर भी खुदाई के दरमियान रहस्यमय सर्कल के साथ मिला था। वहाँ जैक्सन उस पत्थर पर लिखी भाषाओं को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आती, इसलिए वो भाषा को डिकोड करने लग जाता है। फिर एक दिन वो सिक्योरिटी गार्ड को न्यूज पढ़ते हुए देखता है, जिसमें सितारों को आखिरी तेजी से एयरबेल कहा जाता है, जिसकी तस्वीर बनी हुई थी, जो तस्वीर जैक्सन को जानी पहचानी लगती है। तभी उसे याद आता है कि ऐसी आकृति उस विशाल पत्थर पर देखा था, जिससे वो समझ जाता है कि पत्थर पर कोई भाषा नहीं बल्कि हमारी आकाश गंगा का नक्शा बना हुआ है। इसके बारे में जैक्सन बाकी लोगों को बताता है, जिसमें वह एक क्यूब बनाकर उसमें 6 पॉइंट्स लगाता है। सभी पॉइंट्स को क्यू के साथ मिला देता है, जिसके बाद उन्हें समझाता है कि क्यू के बीच वाले पॉइंट्स अब अंतरिक्ष के किसी भी हिस्से में जा सकते हो। अब ये थियरी सुनकर साइंटिस्ट उसे एक सवाल करती है कि यदि हम बीच वाले पॉइंट्स की जगह जा सकते हैं तो बीच वाला पॉइंट कहाँ पर है। तो जैक्सन उसे बताता है कि वो पॉइंट हमारी पृथ्वी ही है। तो साइंटिस्ट उसे कहते हैं कि जो हमें डिवाइस मिली है उसमें यह 7वां निशान नहीं बनाया गया है। और ये सुनकर जैक्सन समझ जाता है कि उनके पास विशाल पत्थर के अलावा कोई डिवाइस भी है। इसलिए कैथरीन की टीम जैक्सन को वो सर्कल दिखाती है, जिसका नाम स्टारगेट होता है। जैक्सन देखता है कि वो डिवाइस घूम रहा है, यानी कि उसे एक्टिवेट कर दिया गया है, और इसी सब में उसका निशान पृथ्वी पर पड़ता है। इसलिए उसके द्वारा बताए गए क्रम में 7वां निशान उस डिवाइस में एक्टिवेट किया जाता है। तब वो वर्मल खुलता है और ट्रैकन डिवाइस डालने पर पता चलता है कि वो ट्रैकन डिवाइस किसी दूसरे गैलेक्सी के ऐसे ग्रह पर पहुंच गया कि उसका वातावरण पृथ्वी की तरह है, और उस ग्रह पर भी स्टारगेट है। अब ये पता चलता है कि साइंटिस्ट की टीम वहां जाकर रिसर्च करने की योजना बनाती है, और तभी उसे पता चलता है कि उसका ट्रैकन डिवाइस जिस जगह पर गया है वहां पर मौजूद स्टारगेट में अलग अलग तरीके के निशान बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें वापस आने के लिए अलग तरीकों के निशानों को सही क्रम में डालना होगा, वरना वो हमेशा के लिए उस गैलेक्सी में रह जाएंगे। तब जैक्सन उन्हें यकीन दिलाता है कि वो दूसरे स्टारगेट में बने निशानों को सही क्रम में डालकर वापस पृथ्वी पर आ सकता है। इसलिए सीक्रेट प्रोजेक्ट में आर्मी वाले भी शामिल थे, वो जैक्सन के साथ दूसरी गैलेक्सी में जाने की इजाजत देते हैं। इधर कैथरीन स्टारगेट में जाने से पहले जैक्सन को सोने का लॉकेट दे देती है,
जिसे लेकर जैक्सन और कुछ लोगों की टीम स्टारगेट से होते हुए दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। वो लोग जिस जगह पर पहुंचते हैं वहां पर उन्हें दूसरा स्टारगेट मिलता है जो एक पिरामिड के अंदर रखा हुआ था। इसके बाद वो सभी पिरामिड से बाहर आकर उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर हर तरफ रेत ही रेत थी, इसलिए वो सभी वापस जाने का फैसला करते हैं। जिस पर जैक्सन उसे कहता है कि इस तरह पृथ्वी पर उन्हें विशाल पत्थर की तरह यहाँ आने का रास्ता पता चला, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी एक विशाल पत्थर होगा जिसमें पत्थरों को उस स्टारगेट में डालकर वो पृथ्वी पर जाने का वोमल बना सकते हैं, इसलिए उन्हें सबसे पहले उन पत्थरों को ढूंढना होगा। अब ये सुनकर बाकी के लोग जैक्सन पर काफी गुस्सा करते हैं और तभी उसकी नजर पैरों के निशान पर पड़ती है, इसलिए वो उन निशानों का पीछा करके एक अजीब से जानवर के पास पहुंच जाते हैं जिसके गले में रस्सी डाली हुई थी। उसे देखकर जैक्सन समझ जाता है कि ये जरूर जानवर किसी का पालतू होगा, इसलिए वो अनजाने से उन जानवर पर 2-3 थप्पी मारता है जिससे वो जानवर भागने लगता है। तब भी जैक्सन का पैर उस रस्सी में फंस जाने की वजह से वो जानवर के साथ काफी दूर निकल जाता है और जैक्सन के पीछे पीछे आर्मी वाले लोग भी आते हैं जो देखते हैं कि उस जानवर ने जैक्सन को ऐसे लोगों की बस्ती में ले आया जो दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह थे। अब यहाँ के बस्ती के लोग जैक्सन के गले में कैथरीन के दौरान दिया गया लॉकेट देखकर उसके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि जैक्सन के लॉकेट पर उन बस्ती वाले लोगों की देवता का निशान बना हुआ था। दरअसल उन सभी को ऐसा लगता है कि जैक्सन और आर्मी वालों को देवता ने यहाँ पर भेजा है। इसी बस्ती का सरदार उसे अपने साथ ले जाता है जहाँ जैक्सन के सामने सरदार की बेटी आकर वह पिरामिड और सूरज की आकृति बनाती है, जो देखकर जैक्सन उससे सवाल पूछता है कि आखिरी उसने ये निशान कहाँ पर देखा, जिस पर वो लड़की एक गुफा जैसी जगह पर ले जाती है जहाँ बहुत सारे प्राचीन निशान बने हुए थे। वो निशानों को देखकर सारी कहानी समझाता है जिसके बाद वो अपने साथी से शेयर करता है कि हजारों साल पहले एक एलियन जिसकी दुनिया खत्म होने वाली थी वो एलियन स्पेसशिप से पृथ्वी पर आ गया, जहाँ उसकी स्पेसशिप को देखकर बाकी के लोग भागने लगे, लेकिन एक बहादुर लड़का स्पेसशिप के पास चला गया जिस पर उस एलियन ने उस लड़के के शरीर पर कब्जा करके खुद को बाकी के इंसानों का राजा घोषित कर दिया। फिर उसी एलियन ने इंसानों से पिरामिड बनवाया और वो इतने से ही नहीं रुका बल्कि उस एलियन ने स्टारगेट डिवाइस की मदद से इस दुनिया में इंसानों को लाया ताकि वो उसे माइनिंग करवा सके। दरअसल इस ग्रह पर ऐसे धातु मिलते थे जो उस एलियंस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी थे, यानी कि इस ग्रह पर रहने वाले लोग भी पृथ्वी के ही है और वो लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो प्राचीन इजिप्ट की भाषा है। अब जैक्सन को उसी ग्रह पर पत्थर भी मिल जाते हैं जिससे वो पृथ्वी तक जाने के निशान बने हुए थे, लेकिन इसमें एक निशान टूटा हुआ था। स्टारगेट में डाले बिना वो लोग पृथ्वी पर नहीं जा सकते थे। दूसरी तरफ मेलियन के स्पेसशिप को इसी ग्रह पर आते हुए देखते हैं जो वहाँ मौजूद पिरामिड पर लैंड करता है और उसमें से कुछ एलियंस निकलकर आर्मी के 2 लोगों को जान से मारकर बाकी के 2 लोगों को बंदी बना लेते हैं, जबकि इस तरफ जैक्सन और उसके साथी के साथ पिरामिड की तरफ निकल पड़ते हैं जिनके पीछे सरदार की बेटी ने साथ में अपने कुछ लोगों को ले जाती है। फिर जैक्सन ओनियल पिरामिड के पास पहुंचते हैं तो उन्हें उनके ऊपर स्पेसशिप नजर आती है जो देखकर उन्हें बहुत हैरानी होती है, इसलिए वो बड़ी सावधानी से पिरामिड के अंदर जाते हैं जहाँ कुछ एलियंस उन पर हमला कर देते हैं जिसमें जैक्सन ओनियल बनते उस डिवाइस के पास चला जाता है। यहाँ ओनियल कुछ ढूंढने लगता है जिस पर जैक्सन उसे सवाल करता है कि आखिर वो किसकी तलाश कर रहा है, लेकिन ओनियल उसे कोई जवाब नहीं देता। अब यहाँ पर कुछ एलियंस आकर उन्हें भी बंदी बना लेते हैं। इन दोनों को एलियंस के लीडर के पास ले जाया जाता है जिन एलियन के लीडर का नाम रा होता है। वो अपने चेहरे का मास्क हटाता है और अब हमें पता चलता है कि ये वही लड़का है जो हजारों साल पहले एलियन ने कब्जा कर लिया था, यानी कि वही लड़का जो स्पेसशिप के पास चला गया था और वो अभी भी जिंदा होता है क्योंकि एलियन टेक्नोलॉजी का ये कमाल है। अब रा के साथ ही उसके सामने बॉम्ब लेकर आते हैं जिस बॉम्ब को ओनियल पृथ्वी से यहाँ लेकर आया था। दरअसल ओनियल को पहले से ही कह दिया गया था कि गड़बड़ होने पर उन्हें उन बॉम्ब से सब कुछ तबाह कर देना है, लेकिन रा को उन योजना के बारे में पता चल गया था। तभी
डैनियल रा के एक साथी से उनके एक हथियार छीनकर रा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रा को बचाने के लिए कुछ बच्चे उसके सामने आ जाते हैं, इसलिए ओनियल उन पर हमला नहीं कर पाता। तब रा के बॉडीगार्ड्स ओनियल के ऊपर हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही समय पर जैक्सन बीच में आकर ओनियल को बचा लेता है और इसी सब में उसकी जान भी चली जाती है। वही रा का साथी ओनियल को भी मारने वाला था, लेकिन रा उसे ऐसा करने से ओनियल के बाकी सोल्जर्स को जेल में डलवा देता है। अब रा इंसानों पर गुस्सा दिखाने के लिए अपनी दो स्पेसशिप से दो विमानों को इंसानों की बस्ती में भेजकर हमला करवा देता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, जो देखकर सरदार को लगता है कि देवता नाराज हो गए। यहाँ इस तरफ जैक्सन पिरामिड में अजीब से डिवाइस से बाहर निकलता है, जो ऐसी डिवाइस थी जो इंसानों को रीजनरेट कर सकती थी, जिसमें डाले जाने के कारण जैक्सन वापस से जिंदा हो गया था। तभी उसके सामने रा अपने साथी के सामने उसे बताता है कि तुम्हारा साथी इस जगह पर न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर आया था और अब मैं स्टारगेट के जरिए इस न्यूक्लियर बॉम्ब को तुम्हारी दुनिया में भेजूंगा, लेकिन न्यूक्लियर तुम्हारी दुनिया में भेजने से पहले मैं अपनी टेक्नोलॉजी को हजारों गुना शक्तिशाली बना दूंगा, जिससे तुम्हारी दुनिया ही नष्ट हो जाएगी। जिस तरफ जैक्सन सवाल करता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, रा उसे बताता है कि मैंने ही हजारों साल पहले मैंने ही तुम्हारी दुनिया को विकसित किया है और अब ओनियल की गुस्ताख की वजह से मैं तुम्हारी दुनिया को सजा दूंगा। जिसके बाद वो जैक्सन को धमकी देता है कि अगले दिन बस्ती के लोगों के सामने अपने साथियों को जान से मारना होगा, वरना वो खुद जैक्सन और उसके साथी को जान से मार देगा। अब अगले दिन पिरामिड के बाहर रा के सारे गुलाम यानी कि बस्ती के लोग जमा हो जाते हैं, जहाँ पर जैक्सन को एक हथियार देकर उसके साथियों को उसके सामने लाया जाता है ताकि वो उसे जान से मार सके। और अब उसी समय सोरिया के साथी उसे इशारा करते हैं कि वो उसके साथ है और उनके पास सोल्जर्स की बंदूकें भी होती है, जो देखकर जैक्सन अपने साथियों के बजाय रा के सैनिकों पर हमला कर देता है और इसी सब में सोरिया के साथी जैक्सन का साथ देते हैं। अब अफरा तफरी के कारण जैक्सन उसके साथियों को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और अब सभी रात में एक जगह पर रुकते हैं। वहाँ ओनियल के साथी उससे सवाल करते हैं कि आखिर आप न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर क्यों आए हो। वो बताता है कि अगर यहाँ पर गड़बड़ होती तो मैं तुम सबको स्टारगेट से वापस भेजकर न्यूक्लियर बॉम्ब को यहाँ फोड़ देता। अब आगे जैक्सन देखता है कि सोरिया के भाई ने दीवार पर कुछ निशान बनाए हुए हैं जो इसी ग्रह के होते हैं, उसमें तीन चांद भी बने हुए हैं, जो देखकर जैक्सन समझ जाता है कि पत्थर पर जो निशान टूटा हुआ था ये वही निशान है। इसका मतलब ये है कि वो लोग स्टारगेट की मदद से पृथ्वी पर वापस जा सकते हैं। अब अगले दिन रा का एक साथी माइनिंग वाली जगह से मिनरल लेने आया था, उसे ओनियल जान से मार देता है। ये देखकर सरदार के लोग उससे माफी मांगने लगते हैं। जैक्सन और ओनियल रा के साथी पर सूट पर लगे बटन को दबाते हैं, जिससे उसका सूट उतर जाता है। तब बस्ती के लोग देखते हैं कि ये कोई देवता नहीं बल्कि उन्हीं की तरह एक आम इंसान है। उसके दिमाग को उन्होंने कंट्रोल किया था। अब ये देखकर उन्हें हिम्मत आती है, जो सभी रा के खिलाफ हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि सावली, जैक्सन और ओनियल और उनके कुछ साथी पिरामिड में मिनरल लेकर आए हैं, जहां रा के गार्ड्स को देखते ही उन पर हमला करके उन्हें मारते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब को रखा गया था। वहां ओनियल जैक्सन से कहता है कि तुम बाकी के लोगों को लेकर स्टारगेट से पृथ्वी पर आ जाओ, जबकि मैं यहां पर रुककर न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से रा को मार दूंगा। तभी वहां पर रा का साथी आकर सावली को जान से मार देता है, जिसके जवाब में जैक्सन उसे भी मार देता है। अब तुरंत बाद रा का एक साथी टेलीपोर्टेशन डिवाइस की मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब लेने आता है, जो देखकर जैक्सन उसे टेलीपोर्टेशन डिवाइस में पता था। वो उस डिवाइस से निकलने वाली नीली रोशनी के नीचे सावली की लाश लेकर खड़ा हो जाता है, जिससे रा का साथी पिरामिड में आ जाता है, जबकि सावली और जैक्सन रा के स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं। अब वहां पहुंचकर जैक्सन उसी डिवाइस में डाल देता है जिसकी मदद से उसे जिंदा किया गया था। अब उस डिवाइस की मदद से सावली भी जिंदा हो जाती है और तभी वहां पर रा जैक्सन को करंट देने लगता है। दूसरी तरफ ओनियल और रा के साथी के साथ हाथापाई हो रही थी, जिसमें ओनियल उसे टेलीपोर्टेशन वाले चैम्बर में ले जाकर उसके हाथ पर लगे बटन को दबा देता है,
जिससे टेलीपोर्टेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब क्योंकि रा के साथी को इस तरफ चैम्बर के नीचे रखा था कि उसका सिर तो अंदर की तरफ और शरीर बाहर की तरफ, और उस कारण उसका शरीर टेलीपोर्ट होकर ऊपर पहुंच जाता है लेकिन उसका बाकी का शरीर अंदर ही रह जाता है। अब सभी कटने की वजह से वही मारे जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जैक्सन सावली ऊपर की तरफ उसकी जगह पर खड़े थे जहाँ पर टेलीपोर्टेशन चैम्बर था, इसलिए वो टेलीपोर्ट होकर नीचे पिरामिड में आ जाते हैं। अब हमें पिरामिड के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां बस्ती के इंसानों ने रा के खिलाफ बगावती कर दी थी। इस बात का पता चलते ही रा अपनी स्पेसशिप लेकर वहां से भागने लगता है, जबकि ओनियल ने पहले से ही न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था। वो भाग रहा था इसलिए बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रा ने उसकी सेटिंग से बदल दी थी इसलिए वो डीएक्टिवेट नहीं होता। और अब उस न्यूक्लियर बॉम्ब को फटने में कुछ ही सेकेंड्स बाकी थे तभी उसे कुछ चमकता हुआ रा के साथी के हाथ में मौजूद टेलीपोर्टेशन डिवाइस को चालू करके उस न्यूक्लियर बॉम्ब को रख देते हैं, जिससे बॉम्ब टेलीपोर्ट होकर रा के स्पेसशिप में पहुंच जाता है और उसका टाइमर पूरा होते ही वो ब्लास्ट हो जाता है जिसमें रा मारा जाता है। अब रा के मरते ही अब तक सभी उसकी गुलामी कर रहे थे, वो बहुत खुश होते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में जैक्सन उस स्टारगेट को चालू करके बाकी के लोगों को पृथ्वी पर जाने के लिए कहते हुए खुद इसी ग्रह पर सावली के साथ रुकने का फैसला करता है, पर बाकी के लोगों के जाने से पहले ओनियल को लोकेट देते हुए वो कैथरीन को वापस करने को कहता है, जिसके बाद ओनियल और उसके सोल्जर्स स्टारगेट से पृथ्वी पर चले जाते हैं जबकि जैक्सन वहीं रुकता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।